यस मैम, कैन यू स्टार्ट? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं नीलम हुमरे तुर्बे एमपीएस सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम दूसरी इकाई का पहला पद्य बरस ही जलत, इसे आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बरस ही जलद। दूसरी इकाई में ये हमारा पहला पद्य है बरस ही जलद। ये जो बरस ही जलद, ये जो पद्य है, ये कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो थोड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। यहाँ संत तुलसीदास, ये जो बहुत बड़े कवि हैं थे, उन्होंने उनका जो गोस्वामी जो ये उपाधि है, एक गोस्वामी इसका मतलब देखो, गो याने ऐसे तो हमें समझ में आता है कि गो याने गायों के पालक, पर यहाँ हिंदी धर्म के ग्रंथ के अनुसार गोस्वामी याने इंद्रियों के स्वामी, के जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में किया है, उसे गोस्वामी कहा जाता है। तो इस वजह से संत तुलसीदास जी को गोस्वामी ये उपाधि दी गई है। तो इस बरस ही जलत, इस पद्य के जो रचनाकार है ये है कवि गोस्वामी तुलसीदास। अभी थोड़ा उनके बारे में जानते हैं, उनका परिचय। उनका जन्म 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1623 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। संत तुलसीदास जी, उन्होंने देखो, वो एक प्रसिद्ध संत थे, कवि थे, विद्वान और चिंतक थे। आप संस्कृत के विद्वान थे। जनभाषा अवधि में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। अभी उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखते हैं। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बर्वे रामायण, जानकी मंगल आदि कृतियाँ उन्होंने लिखी हुई है। अभी थोड़ा पद्य संबंधी हम जानकारी पाते हैं। इस प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया हुआ ये पद्यांश है। इस पद्यांश में देखो, चौपाई और दोहा के छंद में ये लिया हुआ पद्यांश है। जैसे मराठी में वृत्त अलंकार होते हैं, उसी तरह से हिंदी में ये एक छंद है और इसमें चौपाई और दोहा के छंद में ये लिखा हुआ है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है, कि जिसका उन्होंने जो वर्षा ऋतु में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका संबंध उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर दर्शाया है। इस उपरोक्त पद्य में जो प्रसंग है उसमें देखो, सीता हरण के बाद का प्रसंग यहाँ वर्णन किया हुआ है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज के लिए भटक रहे थे और सीता जी के बिना यहाँ श्री राम जी व्याकुल हो रहे थे और सीता जी का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता जी के बिना उनका मन डर रहा है।
और उनकी खोज में श्री राम और लक्ष्मण जी भटक रहे हैं। बरसात ऋतु आ चुकी है पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण यह किया है। तो अभी हम देखते हैं वर्ष ही जलत, ये जो पद्य है उसमें जो चौपाई है उसे पहले हम देखते हैं। सभी ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आपके पास हिंदी की टेक्स्ट बुक है तो उसे ओपन करो। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। बरस ही जलद भूमि नियराये, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। समटी समटी जल भरी तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल समुझी, पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विबादते, लुप्त हुई सदग्रंथ। तो एक एक करके इस चौपाई का जो अर्थ है उसे अभी हम देखते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। यहाँ देखो, इसमें शब्दार्थ की ओर जाते हैं। पहले शब्दार्थ ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों। घन यानि बादल, गरजत यानि गरजना गरजते हैं, दामिनी यानि बिजली, घमंड यानि गर्व, घोरा यानि भयंकर, दमकना यानि चमकना, डरपत यानि डर रहा है, खल यानि दुष्ट व्यक्ति, और थीर यानि स्थिर। इस पंक्ति में देखो, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। यह कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, और इस यहाँ जो सीता जी है उनके बिना मेरा मन डर रहा है। किसका मन डर रहा है? भगवान श्री राम जी का मन सीता जी के बिना डर रहा है। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रीति जता थिर नाही। देखो, दामिनी यानी बिजली, दामिनी चमक रही है, बिजली आकाश में चमक रही है। किस तरीके से चमक रही है? देखो कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है, ऐसे आकाश में बिजली चमक रही है। देखो, आकाश में जो बिजली चमकती है हम सबको मालूम है, किस तरीके से चमकती है कि वो चमक कर वापस लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसका ही संबंध यह कवि ने किससे जोड़ा है? दुष्ट व्यक्ति के साथ जोड़ा है, कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती। दुष्ट व्यक्ति स्वार्थी होता है, कि अपना स्वार्थ हो जाने के बाद वो मित्रता छोड़कर चला जाता है। वैसे ही आकाश में बिजली चमकती है और थोड़े समय के बाद वो आकाश से लुप्त हो जाती है, ऐसे इस पंक्ति में कहा गया है। देखो कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, और यहाँ सीता जी के बिना प्रभु राम जी का मन डर रहा है, वो उनके खोज के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कभी स्थिर नहीं रहती, ये इस पंक्ति में बताया है। आगे
बरष ही जलद भूमि नियराए, जथा नव ही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। देखो यहाँ बरष ही यानि बरसना, नियराए यानि पास आकर, नव ही यानि विनम्र झुक जाना, बुध यानि विद्वान, सही यानि सहना, आघात यानि प्रहार। यहाँ देखो बरशी जलत भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए, यहाँ बादल कैसे बरस रहे हैं पृथ्वी के पास आकर। जैसे आकाश में जब बादल आते हैं तो हमें वो हमारे पास आए हुए ऐसे झुके हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये जो बादल है जो पानी से भरे हुए रहते हैं वो पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। वो कैसे बरस रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं। देखो विद्वान व्यक्ति जो ज्ञान पाकर हमेशा कैसे होते हैं, नम्र होते हैं, वैसे ही आकाश में बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं कि जैसे कोई भी विद्वान व्यक्ति ज्ञान पाकर विनम्र हो जाते हैं। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत जैसे। अभी इन बादलों के कारण जो पानी की बूंदें गिर रही है वो पहाड़ों के चोटों पर गिर रही है। अभी एक पहाड़ों के जो पहाड़ जो है वो बूंदों के प्रहार को शांत भाव से सह रहे हैं। और कैसे सह रहे हैं, जैसे कोई भी संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सहते हैं, उस तरीके से ये जो पहाड़ है वो बारिश के बूंदों को सहन कर रहे हैं। ऐसा बारिश के बूंदों को जो पहाड़ सहन करे इसका संबंध संत के साथ यह कवि ने बड़े अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है कि संत लोग भी वैसे ही हमेशा दुष्ट लोगों के वचनों को सहते हैं, कि दुष्ट लोग हमेशा संतों को बुरा भला कहते हैं पर संत उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और समाज में अच्छे आचरण का प्रचार करने की हमेशा कोशिश करते ही रहते हैं, ये इस पंक्ति में बताया गया है। आगे देखो क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धनखल इतराई, भूमि परतभा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। यह क्षुद्र याने छोटी, थोरेयु याने थोड़ी सी, तोराई याने तोड़कर, ढाबर याने मटमेला गंदली, लपटानी याने लिपट जाती है। तो क्षुद्र नदी, देखो क्षुद्र याने छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली व्यक्ति धन पाकर वो अपनी मर्यादा को त्याग कर इतराने लगता है। देखो छोटी छोटी नदियाँ जब जल से भरती है तो वो किनारों को देखती है क्या, बिल्कुल नहीं, वो किनारों को तोड़कर किनारों के ऊपर से बहने लगती है। वैसे ही मामूली जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, देखो ज़्यादा धन आने के कारण वो इतराने लगता है, अपनी मर्यादा को त्याग कर देता है। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदा हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। यहाँ देखो भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, मतलब भूमि याने पृथ्वी, पृथ्वी पर पानी जो गिरता है तो वो किससे मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है, और मिट्टी से मिल जाने के कारण वो पानी गंदा हो जाता है। के कैसे, के जैसे मानो प्राणी से माया लिपट गई हो, ये इस पंक्ति में कहा गया है कि छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली व्यक्ति धन पाकर अपनी मर्यादा को त्याग कर देता है और इतराने लगता है, वैसे
पृथ्वी पर पानी गिरने से वो गंदा हो जाता है, मिट्टी में मिलने से वो गंदा हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो, ये इस पंक्ति में कहा गया है। आगे देखो, समटी समटी जल भरी तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पाही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जब हरि पाई। यहाँ देखो, समटी समटी यानी क्या, इकट्ठा होना, एकत्र होना, पही यानि पास, जिमी जैसे, जलनिधि यानि समुद्र, पाई यानि पाकर। जैसे देखो, वर्षा का पानी इकट्ठा होकर तालाब भर रहा है, बराबर के समटी समटी जल भरी तलावा, वर्षा का जो पानी है वो इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, पही याने पास, एक एक करके जो अच्छे गुण है वो सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। कैसे के जैसे पानी इकट्ठा होकर तालाबों को भर रहा है, वैसे ही एक एक करके सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जैसे ईश्वर को प्राप्त कर मनुष्य अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ये इस पंक्ति में कहा गया है। देखो, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है मनुष्य। नदी का पानी कहाँ मिलता है, समुद्र में जाके मिलता है, और वहाँ जाके वो क्या होता है, पूरा स्थिर हो जाता है। वैसे ही मनुष्य क्या, देखो, ईश्वर को प्राप्त करके वो स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ये इस पंक्ति में कहा गया है। तो यहाँ तक हमने जो चौपाई थे उसका भावार्थ देखा है। आगे देखते हैं दोहा, अभी इस दोहे में क्या कहा गया है वो देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंत, जिमी पाखंड विबादते, लुप्त हुई सदग्रंथ। देखो, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंत, अभी तृण याने घास, तृण याने घास, परही याने पता, लुप्त याने गायब होना, समुझी याने समझना, विवाद याने विवाद, सदग्रंथ याने महान ग्रंथ। अभी इसमें देखो, हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि याने क्या, हरी भूमि, हरी भरी भूमि याने पृथ्वी, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परी नहीं पंथ, पही याने के पास, अभी पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है। देखो, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है जिससे रास्तों का पता ही नहीं चलता। देखो, समझी परी नहीं पंत, पंत यानी क्या, रास्ता, अभी हरी भरी हो जाने के कारण, पृथ्वी हरी भरी हो जाने के कारण चारों ओर हमें हरी भरी घास ही घास दिखाई दे रही है, और इस घास से हमें रास्ते का पता ही नहीं चल रहा, ये इस पंक्ति में कहा गया है। जैसे देखो, पृथ्वी घास की परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है जिससे रास्तों का पता नहीं चल रहा है। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। जैसे, कैसे, देखो, जैसे यह दृश्य ऐसे लग रहा है कि जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत से प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ,
कि जैसे पाखंडी यानी क्या, दुष्ट व्यक्ति, के दुष्ट व्यक्ति हमेशा क्या करता है, बुरे विचार ही समाज में फैलाने की कोशिश करता है। अभी इस बुरे विचारों के कारण के जो अच्छे गुण है, जो सद्गुण है, वो सद्गुण लुप्त होते चले जाते हैं। अभी वैसे ही ये दृश्य लग रहा है कि जैसे चारों ओर हरी भरी घास दिखाई दे रही है और इस हरी भरी घास के कारण रास्ते का ही पता नहीं चल रहा, वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे पाखंड व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्ट विचार के कारण हमारे जो सद्ग्रंथ है, जो सद्विचार है, वो लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है। देखो, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसे लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार के कारण जो हमारे सद्गुण है, जो हमारे सद्ग्रंथ है, ये लुप्त हो जाते हैं। ये इस पंक्ति में, ये इस दोहे में कहा गया है। अभी हम देखते हैं आगे की चौपाई, ध्यानपूर्वक सुनो। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जसे मिले बिबेका, अर्क जवास पात बिनु भऊ, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, ससी संपन्न सोह मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे, निसीतम घन खद्योत बिराजा, जनु दबिन्न कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तेजही मोह मद माना, देखी अत चक्रबाग खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाही सुराजा, जह तह पथे रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो एक एक करके अभी हम देखते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई, नव पल्लव भिये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले बिबेका। अभी इसमें क्या कहा है, देखो शब्दात में देखो, दादुर, दादुर याने मेंढक, दादुर याने मेंढक, सुलाई याने अच्छी लगती है, बट याने बालक, पल्लव याने कोपल, साधक याने साधना करने वाला, बिटप याने वृक्ष। परीक्षा में पूछा जाता है देखो शब्दार्थ में, तो ध्यान में रखना है बिटप याने वृक्ष। अभी देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है, कि वो कैसी लगती है, धुनि यानि ध्वनि। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में चारों ओर हमें मेंढकों की आवाज़, मेंढकों की ध्वनि सुनाई दिखती है, लगती है, और वो ध्वनि ऐसे लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। जैसे देखो, जब हम वेद पाठ करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें भी ऐसी ही आवाज़ आती है क्लास में, देखो कि सभी जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। तो वैसे ही वर्षा ऋतु में मेंढकों की ध्वनि भी वैसे ही सुनाई देती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा है, कि उनकी आवाज़ जैसे सुनाई देती है, वैसे ही मेंढकों की आवाज़ सुनाई देती है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले बिबेका।
यहाँ अनेक वृक्षों में नई नई कोंपले आ रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, जिससे वे हरे भरे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी वो कैसे लग रहे हैं, कैसा दृश्य लग रहा है कि जैसे साधना करने से जो साधना करने वाली व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने से जैसे प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, वैसे ही वो जो वृक्ष है वो नए पत्ते आ जाने के कारण, कोपले यानी क्या, नए पत्ते आ जाने के कारण वो वृक्ष सुशोभित लगते हैं। वैसे ही साधना करने वाला व्यक्ति अपना साधना करने से, ज्ञान पाने से प्रफुल्लित हो जाता है, ये इस पंक्ति में कहा गया है। देखो, चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा है। अनेक वृक्षों में नई कोपल आ गई है जिससे वे सुशोभित हो गए हैं, और जैसे साधक अपनी साधना पाकर, ज्ञान पाकर प्रफुल्लित हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वैसे यहाँ लग रहा है। आगे देखो, अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। अर्क याने मदार, जवासा याने जवास, ये पौधों के नाम है। भयु याने हुए, उद्यम याने कार्य, धूरी याने धूल, धर्म ही याने धर्म को, कतहु याने कहीं भी। जैसे देखो, बरसात के दिनों में ये जो पौधे हैं, कौन कौन से पौधे, देखो यहाँ अर्क जवास, ये पौधों के नाम आए हैं। अर्क यानी मदार और जवास के पौधों के पत्तों से रहित हो जाते हैं, ये पत्ते गिर जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो अच्छे राजा के राज्य में दुष्टों का जो धंधा है वो खत्म हो गया है, दुष्ट व्यक्ति का जो वर्तन है वो यहाँ खत्म हो गया है। धूल खोजने पर भी कहीं धूल नहीं मिलती, इसका मतलब जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने भी धूल को नष्ट कर दिया है। यहाँ देखो, अर्क जवास, बरसात के दिनों में ये जो अर्क जवासा जो पौधे हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं, ये पौधे पत्ते रहित हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे अच्छे राजा के राज्य में दुष्टों का जो व्यवहार है वो नष्ट हो रहा है, वो खत्म हो गया है। यहाँ धूल खोजने पर भी कहीं भी धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध के कारण धर्म नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्षा के कारण धूल नष्ट हो जाती है, ये इस पंक्ति में कहा गया है। आगे देखो, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दविन्न कर मिला समाजा। यहाँ शशि याने अन्न, सोह याने सुशोभित होना, मही याने पृथ्वी, निसी याने रात, खद्योत याने जुगनू कि जो रात में चमकते हैं उसे कहा गया है खद्योत, दविघ्न याने घमंडी। देखो, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दबिन कर मिली समाजा। यहाँ आना से जो युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती, पृथ्वी कुछ इसी प्रकार शोभा सुंदर लग रही है, जैसे आना से युक्त हरी भरी जो हमारी पृथ्वी है वो इस वजह से सुंदर लग रही है। किस वजह से, आना से हरी भरी हुई है, इस वजह से वो बहुत ही सुंदर और शोभायमान हो रही है। जैसे किस तरीके से, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं, के जैसे उपकारी पुरुष
अपनी संपत्ति पाकर शोभायमान होते हैं, वैसे ही ये हमारी जो पृथ्वी है वो हरी भरी हो जाने के कारण शोभायमान सुंदर लग रही है। रात के अंधकार में जुगनू जैसे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे घमंडियों का समूह इकट्ठा हो गया है। देखो, रात में ही हमें हमेशा जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात के अंधेरे में ही हमें जुगनू चमकते हुए चारों ओर दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे घमंडियों का जो समूह है वो इकट्ठा हो रहा है। जैसे घमंडी लोग खुद के ही घमंड में इतराने लगते हैं, वैसे ही रात के अंधेरे में जो जुगनू है उनका जो समूह है वो चारों ओर जो दिखाई दे रहे हैं वो इन घमंडी व्यक्तियों के जैसे लग रहे हैं। ये इसमें कहा गया है। देखो, आना से युक्त पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है। किस प्रकार? जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं, कि जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति हमेशा शोभायमान लगते हैं, उसी प्रकार आना से युक्त ये पृथ्वी शोभायमान लग रही है। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे घमंडियों का समूह इकट्ठा हो गया है। ये इसमें कहा गया है। आगे देखते हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना, देखियत चक्र बाग खगनाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। यहाँ निरावही याने निराना, तजही याने त्याग करना, त्यागना, चक्रबाग ये पक्षी है, चकवा पक्षी, बुद्ध याने विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्ध याने विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति, मेद याने घमंड घमंडी, पराही याने भाग जाना। यहाँ देखो, कृष निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखो, चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे। निराई यानी क्या? फसल में जो घास फूस आती है उसे निकालना। जब भी फसल उगने लगती है तो फसल में घास आती है तो उसे हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ निराई यानी क्या? निकालना। उसी घास फूस को ये जो किसान है वो जो फसलों में आई हुई घास फूस को निकाल रहे हैं, उसकी निराई कर रहे हैं। अभी उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे विद्वान लोग मोह माया का त्याग कर रहे हैं। देखो, चतुर कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। मतलब कि जो चतुर किसान है, जो खेती कर रहे हैं, वो जो चतुर किसान है वह फसलों की निराई कर रहे हैं। मतलब फसलों में जो घास फूस आई है उसे निकाल कर फेंक रहे हैं। अभी ये जो घास फूस को फेंक रहे हैं, फसलों की निराई कर रही है, इसे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बुद्ध यानि विद्वान व्यक्ति, जिमी यानि जैसे विद्वान व्यक्ति किसका त्याग कर रहे हैं? देखो, मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। ऐसे किसानों को देखकर लग रहा है। मतलब किसानों को यहाँ किससे जुड़ाया है उनका संबंध? विद्वान व्यक्ति के साथ जुड़ाया है। कि जैसे किसान वह फसलों में आई हुई घास फूस को निकाल रहे हैं, उनकी निराई कर रहे हैं, वैसे ही जो विद्वान व्यक्ति है वो अपने अंदर जो मोह माया मेद का त्याग कर रहे हैं, ऐसे यहाँ बताया गया है। आगे देखो, देखियत चक्रबाग खगनाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। यहाँ देखो, देखी ही चक्रबाग खगनाही, खग याने पक्षी, खग याने
पक्षी। अभी बरसात के दिनों में जो चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे, देखो बरसात के दिनों में ये जो चक्रवाक पक्षी है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, इससे ऐसे लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है, धर्म लुप्त हो गया है। इन बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे इन्हें देखकर लग रहा है। आगे विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा भाड़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पतिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे गाना। अभी यहाँ देखो, भ्राजा याने शोभायमान होना, सुंदर होना, थकी याने थक जाना, थक कर, पथिक याने राही, रास्ते में चलने वाला याने पथिक याने राही, बाल याने वृद्धि याने विकास। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, मही याने पृथ्वी, ध्यान में रखो मही याने पृथ्वी। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा भाड़ जिमी पाई सुराजा, यह पृथ्वी अनेक प्रकार के, मही याने पृथ्वी, यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है, बराबर है, यह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के विविध जीव जंतु है। यह उसी तरह सुंदर हो रहे हैं जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास होता है। जैसे देखो, अगर राजा अच्छा हो तो अपने प्रजा के लिए वो हमेशा अच्छे ही काम करता है, और अच्छे काम करने से क्या होता है, उस राज्य के प्रजा की वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। वैसे ही यहाँ लग रहा है कि पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से, अनेक विविध जंतुओं से, जीवों से भरी पड़ी है, यह उसी तरह सुंदर लग रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की विकास होता, प्रजा का विकास होता है, वैसे ही ये पृथ्वी सुंदर लग रही है। किस वजह से, कि वो बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु से भरी पड़ी हुई है, इस वजह से वो सुंदर लग रही है। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियों को शिथिलता हो जाती है और विषयों की ओर जाना वो छोड़ देते हैं। देखो, जह तह रहे पथिक थकी जान नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, मतलब यहाँ वहाँ अनेक राही थककर वह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है, ये दूसरे विषयों की ओर जाना वो छोड़ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पथिक जो है वो थककर एक जगह शांत बैठे हुए हैं, उनके इंद्रियों को शिथिलता प्राप्त हुई है, ये इस में कहा गया है। अभी आगे का दोहा, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। यहाँ देखो, कबहु याने कभी कभी, बिलही याने गायब होना, उपजे याने उत्पन्न होना, मारुत याने हवा, कपुत याने कुपुत्र, नसाही याने नष्ट होना। यहाँ देखो, कबहु प्रबल वह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिम कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। मतलब कबहु याने कभी कभी, कभी कभी हवा देखो बहुत तेजी से चलने लगती है, वह मारुत
मारुत याने क्या? हवा। ध्यान में रखो बच्चों, मारुत याने हवा। कभी कभी बहुत हवा, वायु याने मारुत, ये जो वायु है, ये जो हवा है, वो कभी कभी बहुत तेज गति से चलने लगती है, और इस वजह से क्या होता है देखो, इससे बादल, जैसे हम बोलते हैं ना हवा के कारण अभी आकाश में आए हुए बादल चले जाते हैं, वैसे ही जो कभी कभी बहुत तेजी से हवा चलती है, इसके कारण बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य ऐसे लगता है जैसे परिवार में दुष्ट पुत्र के जन्म होने से जो परिवार का, जो कुल का जो श्रेष्ठ आचरण है, ये नष्ट हो गया है। ऐसे लगता है कि जैसे तेज हवा के कारण बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, वो दृश्य ऐसे लगता है जैसे परिवार में दुष्ट पुत्र यानि कुपुत्र पैदा होने से परिवार का, इस कुल का जो धर्म है, जो श्रेष्ठ आचरण है, ये नष्ट हो जाता है, ये ऐसे लगता है, ये इस पंक्ति में कहा गया है। आगे देखो, कबहु दिवसम मह निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। यहाँ निबिड़ याने घोर, घना, बिन सही याने नष्ट होना, कुसंग याने बुरी संगत, कुसंग याने बुरी संगत, पतंग याने सूर्य, उपजर याने उत्पन्न होना, सुसंग याने अच्छी संगति। अभी यहाँ देखो, कभी कभी क्या होता है देखो, बादल बरसात से पहले आकाश में हमेशा बादल आते हैं। अभी देखो बरसात का ही वर्षा ही ऋतु चल रही है, तो आपको पता है, हमें दिख रहा है कि आकाश में बादल आने पर क्या होता है, चारों ओर हमें अंधेरा छाया हुआ, घनघोर अंधेरा छाया हुआ दिखाई दिया जाता है। वैसे ही बादलों के कारण दिन में भी हमें अंधेरा छा जाता है, ये हमें दृश्य दिखाई देता है। और सूर्य कभी प्रकट हो जाता है तब लगता है ऐसे, कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, कभी कभी वो लुप्त हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान पैदा हुआ है, ज्ञान उत्पन्न हो गया है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है तो उजाला हो जाता है, अगर सूर्य लुप्त हो जाता है तो वापस अंधेरा हो जाता है। तब ऐसे लगता है कि जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ये इसमें कहा गया है। यहाँ हमने जो दूसरी इकाई में जो हमारा पहला पद्य था बरस ही जलत, ये यहाँ खत्म हो गया है। ये देखो आपके लिए कृति स्वाध्याय है, पद्यांश में प्रयुक्त हुए शब्द। अभी पद्यांश में कौन कौन से शब्द आए हैं, ये आपको इन शब्दों के बदले पद्यांश में आए हुए शब्दों को ढूंढकर आपको लिखना है, ये कृति आपको पूरी करनी है। किसी को बरस ही जलत में किसी को कुछ शंका है, कुछ पूछना है, हेलो, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? समझ में आया? मिस निशी मींस, निशी यानी रात। ओके मिस। ओके, तो आई होप के सबको आज बरस ही जलत ये जो पद्य है ये समझ में आया होगा। ये जो कृति स्वाध्याय है ये आपको पूरा करना है। धन्यवाद।
मुझे भी आता है मम्मी।